नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मुरानीपुर के देवरी चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम बंदरा में रात को अज्ञात चोरों ने बैंक के ताले तोड़ दिए, लेकिन चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे सके। चोरों द्वारा किए गए प्रयास से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंदरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक को चोरों ने निशाना बनाते हुए ताले चटकाए। आपको बता दें कि जब पुलिस प्रशासन द्वारा पहुंचे अधिकारियों ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि जो बाहर कैमरे लगे हैं वह केवल शोपीस बने हुए हैं। बाहर लगे कैमरे बंद पड़े थे जिससे चोरी की घटना का सुराग नहीं लग सका, जबकि अगर सीसीटीवी कैमरे सही होते तो बहुत कुछ सामने आ जाता। बैंक की लापरवाही कहें या फिर स्थानीय चौकी पुलिस की लापरवाही, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार बैंकों में सघन चेकिंग कर रही है, लेकिन यहां कैमरे खराब होना यह बताता है कि जो सघन चेकिंग चल रही है वह केवल औपचारिकता मात्र है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार राहुल ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया एवं जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुरानीपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं मुख्य प्रबंधक मुरानीपुर शाखा में हूँ, एस के सिंह मेरा नाम है। और यहाँ आज मुझे पता चला क्षेत्रीय कार्यालय से कि भंडरा शाखा के जो शटर के ताले तोड़े गए हैं, तो मुझे यहाँ आरओ से निर्देश हुआ कि वहाँ जाके देखें, जांच करें क्या है। तो यहाँ पे पुलिस भी आई हुई थी। जब यहाँ का जो रेगुलर स्टाफ है पांडे जी और सुशील कुमार असिस्टेंट मैनेजर, तो मेन गेट के जो शटर के ताले हैं वो टूटे हुए पाए गए और उसकी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। यहाँ से कोई भी चैनल का ताला ही भी नहीं तोड़ा गया, केवल शटर के ही दो ताले तोड़े गए थे। चोर अंदर नहीं घुस पाए। बैंक में किसी तरह की भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल ताले तोड़े गए। जो यहाँ पर कैमरे लगे हैं सीसीटीवी में क्या है फुटेज में? सीसीटीवी फुटेज में अंदर तो कोई घुस नहीं पाया और रात की वजह से शायद बाहर का जो है सीसीटीवी का है वो नहीं चल रहा था, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। बाकी